नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लालू मशेक पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि घर में जो चोरियां होती हैं जिसे घर फोड़ी कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा वारदात जो है आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि घर फोड़ी का हो या लूट मार का हो, जैसे चैन या मंगलसूत्र लूटने का, इसी तरीके से एक केस जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में जो मधुकर कर साहब हैं उनके जो टीम है, एक वर्षे साहब और शिव सागर साहब की मिला के जो है ये एक बहुत अच्छा जो है एक टीम को जो है रेडी किया। और ये चारों आरोपी हाथ में नहीं आ रहे थे, काफ़ी दिनों से इनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, लेकिन आखिरकार शिव सागर साहब ने और बोरसे साहब ने मिल के जो है इनको धर दबोचा, और ये बड़ी कामयाबी साल के आखिर में जो है मुमरा पुलिस स्टेशन को मिली है। एक सॉल्व किया है, जैसे कि उसमें चार आरोपी को पकड़ा है, तो एक जो है साइन एंटाफिल में रहने वाला आरोपी है, दूसरा एक मुमरा का रहने वाला आरोपी है, और दो दीवा के रहने वाले हैं। टोटल मिला के जो है चार आरोपी है वो, और चार आरोपी का काम ही यही है कि घर तोड़ना, लोगों का लॉकर तोड़ना, लोगों का दुकान तोड़ना, उसमें से लूट मार करना। तकरीबन यहाँ के जो सीनियर PI मधुकर कर साहब हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन ये 5.5 लाख रुपए के आसपास में कुछ माल है जो भी ये पकड़ा गया, और 40,000 रुपये कैश है। और दूसरी चीज़ जिससे वो लोग ताला तोड़ते थे, उसके साथ में एक हथियार भी है, मतलब उससे जो है ताला ये लोग बड़ी आसानी से तोड़ लेते थे ताकि किसी को आवाज़ ना आए, और ये बड़ी आसानी से ताला टूट गया। तो इसी चीज़ को लेकर आज मुमरा पुलिस स्टेशन में जो सीनियर PI है मधुकर कर साहब, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, जानकारी दी। आइए सुनिए कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने ये इन आरोपियों को धर दबोचा है, और किस तरीके से ये मतलब उसके पुलिस के गिरफ्त में आए। पिछले 3-4 महीने में दीवा और मुमरा में घरपोड़ी का यानी गुने हो रहे थे। उस घरपोड़ी के गुने के लिए दीवा के DBK API सिरसागर और मुमरा DBK API श्रीबोर से इन्होंने दोनों ने मिलकर और उनके टीम ने 9 घरपोड़ी डिटेक्ट किया है, और उसमें नियर अबाउट 5.5 लाख का गहने और 40,000 रुपये रोक ये सीज किया हुआ है, और उसमें चार आरोपी अरेस्ट किए हुए, और चारों आरोपी से दो आरोपी अभी PCR में, बाकी जेल में है आरोपी। सर, इन लोगों का बैकग्राउंड कैसा है पहले कहीं? इन लोगों का बैकग्राउंड ही क्रिमिनल है। दो अभी यहाँ से दीवा के जो आरोपी है वो दीवा छोड़ के पुणे में चले गए थे, एक सायन कोड़ीवाड़ा में रहता है और एक मुमरा में एक रहता है। सर, जैसे ये वर्ष का आखिरी समय है, पूरे वर्ष में पूरे साल में अभी तक कितने घरपोड़ी दाखिल हुए और कितने वड़ हुए? घरपोड़ी का प्रमाण वैसे भी अपने यहाँ बहुत कम है। इस बार ये साल में अपने यहाँ चोरी का, घरपोड़ी का, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और व्हीकल थेफ्ट, ये सभी क्राइम में अपने यहाँ निगेटिवनेस है, यानी कम हुए है अपने यहाँ क्राइम रेट, उसमें कम हुआ है। अपने यहाँ क्राइम रेट में बढ़ोतरी है कि 498 केस में बढ़ोतरी है, यानी मियाँ बीवी के झगड़े। वो चारों आरोपी प्रोफेशनल है या? यस, प्रोफेशनल आरोपी है। कोई गैंग वगैरह टीम? नहीं, गैंग वही गैंग है जो अरेस्ट किया, वही गैंग है उनके। इसके अलावा और भी कोई है सक्रिय इनके पीछे? नहीं, इनके पीछे अभी यही चार आरोपी अरेस्ट, सभी चारों की अरेस्ट किया हुआ है। कहां कहां पे किया सर ये? इन्होंने दीवा में 6 जगह किया है और मुमरा कौसा में 3 जगह किया हुआ है। सर, आपको मालूम कैसे पड़ा ये? नहीं, ये DB टीम का काम है, DB टीम ने डिटेक्ट किया हुआ है। नहीं तो किसी खबरी के थ्रू? नहीं, उनको उनके सोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। सर, इनके पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ? नियर अबाउट 5.5 लाख के गहने डिटेक्ट हुए और 40,000 कैश डिटेक्ट किया हुआ। 135 टोटल कुल मिला के 135 ग्राम सोना डिटेक्ट रिकॉर्ड किया हुआ है। ये चारों आरोपी कहाँ के हैं सर? दो दीवा के हैं, एक सायन कोड़ीवाड़ा का है और एक मुमरा कौसा का है। रहने वाले कहाँ के हैं? दीवा के, दीवा। कोई हथियार वगैरह इनके पास? ये वो जो हाथ मैंने कटौनी जो रहती है वो HBT करने के लिए, वो हथियार जब्त किया हुआ है, मोबाइल जब्त है उनका। कितने दिन का PC मिला? उनको हर एक गुने में अलग अलग PC मिल रहा है, यानी 9 गुने डिटेक्ट हुए तो इसमें हर एक लास्ट कितना? अच्छा, तीन चार दिन हर एक गुने में PCR मिल रहा है। सब पूरा माल बरामद हुआ है कि अभी और भी? नहीं, ये 9 गुने का पूरा माल रिकॉर्ड किया हुआ। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।